नमस्कार प्रणाम दोस्तों, मैं धनंजय कुमार, आपका अपना YouTube चैनल भोजपुरी गंगा में स्वागत है। हम बातचीत करने वाले हैं आज की आप कुछ हुआ पवन सिंह और खेसारी लाल यादव की टीम में। हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए और जो लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर भोजपुरी का हर खबर सबसे पहले आता है। आप सभी को पता ही होगा विशाल सिंह ने विवेक सिंह को चैलेंज दिया था उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मिलने के लिए, और विवेक सिंह ने लोकेशन भी दे दिया JHB मॉल में आने के लिए, और विशाल सिंह ने तुरंत फ्लाइट पकड़ के मुंबई से बनारस आए मिलने के लिए विवेक सिंह से। लेकिन विवेक सिंह ने मॉल में ताकते रह गए, विशाल सिंह नहीं आए और लगभग 20 मिनट तक विवेक सिंह ने विशाल सिंह का वेट किया, फिर भी विशाल सिंह ने वहाँ पे नहीं आया। हालांकि विशाल सिंह ने वहाँ पे क्यों नहीं आया, लेट हो गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसके बारे में अभी जानकारी नहीं मिली है। शायद भी हो सकता है विशाल सिंह को दूसरा लोकेशन भी दिया गया होगा। फिर भी विशाल सिंह को एक पोस्ट डालना चाहिए था, या लाइव आना चाहिए था, या तो कुछ बता देना चाहिए था कि लेट हो गया, लेकिन विशाल सिंह के तरफ से कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आता है। और मैं जब वीडियो बना रहा हूँ अभी तक विशाल सिंह के तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया है। हाँ, विशाल सिंह का कोई आदमी था जो कि विवेक सिंह को कॉल करके पांडेपुर में बुला रहा था, यानी पांडेपुर बनारस में ही पड़ता है। हाँ तो दोस्तों, अभी का बड़ी खबर है कि विवेक सिंह ताकते रह गए लेकिन विशाल सिंह नहीं आए वहाँ पे। शायद ये भी हो सकता है कि वहाँ पे पुलिस को भी सूचना दे दिया गया था, सब लोग इधर उधर हो गए थे। बाकी कोई और नया अपडेट आएगा तो मैं आप सभी को अलग वीडियो बनाकर बताऊंगा। हाँ, एक बात और आप सभी को बताना चाहता हूँ, मैं विवाद का बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ, दोनों तरफ से चैलेंजिंग दिया गया था और लोग जानना चाहते थे, इसलिए ये वीडियो मैं बनाया। और दोस्तों, भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह और भोजपुरी के दबंग स्टार खेसारी लाल यादव जी का वीडियो पसंद है तो ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।